अगर आप सीएस रैंक पुश रैंडम प्लेयर के साथ कर रहे हो और आप इलीट मास्टर जो कि हैंडर स्टार पे लगता है वहां तक पहुंचना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि रैंडम प्लेयर के साथ सीएस में रैंक पुश करना आसान नहीं होता। इसलिए अभी आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करते वक्त, और इन ट्रिक्स का यूज करके आपका जो गेम प्ले है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, फिर आप इजिली मास्टर और इलीट मास्टर कर पाओगे। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 10 की। तो ये ट्रिक है एक अंडररेटेड कैरेक्टर की जिसका नाम है सूजी। इस कैरेक्टर को सभी ने नजरअंदाज करा है। तो जब आप सूजी कैरेक्टर का यूज करोगे एंड किसी भी एनिमी को फिनिश करोगे तो आपको बहुत सारे टोकन मिलेंगे। तो सीएस रैंक में स्टार्टिंग के 2-3 राउंड में हमारे पास अच्छा खासा पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से हम अच्छी गन्स, मैक्स लेवल के हेलमेट, वेस्ट और सारे आइटम नहीं ले पाते हैं। तो सूजी कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जितने राउंड में आप जितने ज्यादा किल्स करोगे आपके पास उतने ज्यादा टोकन होंगे, और ज्यादा टोकन होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि अगर आप ओरेंज कैरेक्टर का यूज करते हो तो ओरेंज कैरेक्टर को चार्ज करना इजी हो जाएगा, 300 टोकन तो मशरूम लेने में लग जाते हैं। और अगर आप सीक्रेट ग्लू का यूज करते हो तो वहां पे भी आपका काफी ज्यादा पैसा चला जाता है, जिसकी वजह से फिर आप और आइटम नहीं ले पाते। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजों के लिए आपको सूजी कैरेक्टर कॉइन देगा। जितने ज्यादा आपकी किल्स होंगे उतने ज्यादा आपको टोकन मिलेंगे, एंड फिर आप बेस्ट आइटम, बेस्ट गन और बहुत सारी चीजें ले पाओगे। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 9 की। तो अभी आपको मैं बताता हूं परफेक्ट यूज ऑफ पॉकेट मार्केट। पॉकेट मार्केट को आप एक डिस्काउंट स्टोर समझो और साथ ही साथ वन टाइम स्टोर समझो। मतलब इस स्टोर से जो चीज आप एक बार ले लोगे पूरे मैच में आप उस चीज को दोबारा नहीं ले पाओगे। तो इसलिए जब आपको पॉकेट मार्केट के आइटम की जरूरत पड़े तभी आपको पॉकेट मार्केट खोलनी है। जैसे कि आप ऑरेंज कैरेक्टर का यूज करते हो और किसी राउंड में आपके पास पैसा ही नहीं बचा कि आप मशरूम खरीद पाओ, या फिर आप किसी राउंड में मशरूम खरीदना ही भूल जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पॉकेट मार्केट को खोलना है एंड आप फ्री में लेवल 4 का मशरूम ले पाओगे। एंड कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में ही हम ऑरेंज कैरेक्टर की एबिलिटी यूज कर लेते हैं एंड फिर जब एनिमी हम पे रश करता है या हमें एनिमी पे रश करना होता है तो हमारा ऑरेंज चार्ज नहीं होता, तो उस वक्त भी आप पॉकेट मार्केट को ओपन कर सकते हो एंड लेवल 4 का मशरूम खरीद सकते हो। फिर आप इजीली सामने वाला एनिमी पे रश कर पाओगे, या फिर सामने वाला एनिमी आप पे रश कर रहा है तो इजीली सामने वाले एनिमी को खत्म कर पाओगे। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, आप पूरे मैच में सिर्फ एक बार ही मशरूम खरीद सकते हो। एंड काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ग्लूवॉल लेने का पैसा होता है, तो उस वक्त आपको नॉर्मल स्टोर से एक ग्लूवॉल नहीं लेना है, उसकी जगह आपको पॉकेट मार्केट खोलना है एंड 200 टोकन में 2 ग्लूवॉल ले लेना है। तो बहुत सारी फाइट्स में हमारी मेडकिट जल्दी खत्म हो जाती है एंड आखिरी सर्कल तक हमारे पास एक भी मेडकिट नहीं होती है। उस वक्त अगर आपको एनिमी डैमेज कर देता है तो आपको पॉकेट मार्केट खोलना है एंड फ्री में सुपर मेडकिट ले लेनी है, फिर आप फुल हेल्थ करके एनिमी से अच्छे से फाइट ले पाओगे। एंड बाकी के हिसाब से मुझे अभी कमेंट करके बताओ अभी आपकी रैंक क्या है, हीरोइक 10 स्टार, 20 स्टार या फिर मास्टर। एंड जिसकी सबसे हाईएस्ट रैंक होगी उसका कमेंट मैं पिन करने वाला हूं, तो जल्दी से जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 8 की। अभी आपको मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसे अगर आप यूज करोगे तो आप बहुत फास्ट रश कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन में है तात्सुया, केली, जोसेफ, फ्लैश फ्रीज, एनर्जाइजर। तो किसी भी जगह पे आपको फास्ट रश करना है और सबसे पहले रश करना है तो आपको ये सारी चीज कुछ ऐसे यूज करनी है। तो सबसे पहले आपको एनर्जाइजर का यूज करना है एंड रास्ते में ही फ्लैश फ्रीज फेंक देना है। एनर्जाइजर से आपकी जो मूवमेंट स्पीड है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी एंड जैसे ही आप फ्लैश फ्रीज के अंदर जाओगे जोसेफ की वजह से आपकी मूवमेंट स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, और केली से तो आपकी स्पीड बढ़ ही रही है, और उसके ऊपर अगर आप तात्सुया कैरेक्टर को 3 बार यूज कर लेते हो तो आप इतना फास्ट रश कर पाओगे कि आप देखोगे काफी सारे रस्ते में ही है, तो उन एनिमीज को आप बहुत ज्यादा डैमेज दे पाओगे एंड इजिली नॉक कर पाओगे एंड इस तरह आप इजिली राउंड को जीत पाओगे। वैसे तो ये ट्रिक सीरियस रैंक पुशर्स के लिए नहीं है, बट आप फन के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। ये ट्रिक मुझे पता चली है DRPO डबल। बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 7 की। तो जब भी आपका इंटेलेक्चुअल सेंटर पे राउंड स्टार्ट हो आपको जल्दी से भाग के टावर के पास आना है एंड यहाँ पे 2 ग्लूवॉल कुछ इस तरह लगा देनी है, फिर आप रैंडम प्लेयर या फिर अपनी फ्रेंड की मदद से इस ग्लूवॉल के ऊपर चले जाना है। फिर आप इजिली इस टावर के ऊपर आ जाओगे एंड जो भी एनिमीज टावर के आसपास फाइट लेंगे उन एनिमीज को आप बड़े आराम से मार पाओगे, और इधर ऊपर रह के आप अपने टीममेट्स को कवर भी अच्छे से दे पाओगे, और कोई एनिमी अगर आपको डैमेज कर देता है तो इस टावर के अंदर छुपने की भी जगह है, तो आप इधर आ सकते हो एंड यहाँ पे रह के आप अच्छे से हील वगैरह कर सकते हो। बस आप एक चीज का ध्यान रखना, कोई एनिमी जब ग्रेनेड कुक करने लग जाए तो आपको जल्दी से यहाँ से भाग जाना है। और बाकी ये वाली ट्रिक मुझे प्लेयर भाई की वीडियो से पता चली है तो मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 6 की। तभी आपको मैं एक ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स रिकमेंड करते हैं, बट इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने एक स्किल चेंज करा। ये कॉम्बिनेशन है ओरियन, मिगुल, केली और सूजी का। तो सीएस रैंक में जब हम ओरियन कैरेक्टर का यूज करते हैं तो हर राउंड में सबसे पहले हमें 300 टोकन का मशरूम खरीदना पड़ता है एंड इसी की वजह से हमारे टोकन कम पड़ जाते हैं एंड हमें एक ग्लूवॉल कम लेनी पड़ती है या फिर हम एक ग्रेनेड नहीं ले पाते हैं। तो ओरियन कैरेक्टर को हर राउंड में चार्ज करने की जिम्मेदारी सूजी कैरेक्टर ले लेगी। जितने किल्स आप करोगे आपको उतने ज्यादा टोकन मिलते रहेंगे एंड आपको इतने सारे टोकन मिल जाएंगे कि आप ओरियन कैरेक्टर को चार्ज भी कर लोगे और एक अच्छी गन भी ले लोगे एंड अच्छे खासे आइटम्स भी ले लोगे, लेकिन उसके लिए आपको किल करना पड़ेगा। और अगर आप ज्यादा किल करना चाहते हो तो आपको रश करना पड़ेगा एंड रश करने के लिए
आपको और इन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 5 की। तो जब भी आप किसी एनिमी से फाइट लेते हो एंड लॉन्ग टाइम तक फायर करते हो तो आपकी गन रिकॉइल करने लग जाती है। इससे जो गन की गोलियां होती है वो एनिमी पे नहीं लगती है एंड सामने वाला एनिमी आपको बड़े आराम से मार के चला जाता है। तो इसलिए आपको स्विच टेक्निक का यूज करना है। और इस ट्रिक को करने के लिए आपके पास प्राइमरी गन और सेकेंडरी गन जरूर होनी चाहिए। जब आप शॉर्ट रेंज के अंदर एनिमी से फाइट ले रहे हो एंड जैसे ही आपकी गन रिकॉइल करने लग जाती है आपको जल्दी से सेकेंडरी वेपन पे स्विच करना है एंड उस वेपन से एनिमी को डैमेज देके मार देना है। लेकिन जल्दी से सेकेंडरी वेपन पे स्विच करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपका जो ये गन बॉक्स है आपको इसको कस्टम एसयूडी में जाके इसका साइज बढ़ा देना है। इससे आप बहुत फास्ट गन स्विच कर पाओगे। और अगर आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप M1887 चलाओ। इसे जब आप एनिमी से फाइट लोगे आप दो गोली चलाने के बाद सेकेंडरी वेपन पे स्विच कर सकते हो एंड दूसरे वेपन से डैमेज देके सामने वाले एनिमी को बड़े आराम से मार सकते हो। एंड M1887 चलाने का मुझे यही सही तरीका लगता है क्योंकि अगर मैं रिलोड करने बैठूंगा तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं तुरंत गन स्विच करके एनिमी को मार देता हूं। और इस ट्रिक से हमारा गन का रिकॉइल भी कंट्रोल हो जाता है और सामने वाला एनिमी बड़े आराम से मर भी जाता है। तो बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 4 की। तो जब फार्मटोपिया पे आपका इस तरफ राउंड स्टार्ट हो आपको भाग के लेफ्ट या राइट साइड नहीं जाना है बल्कि आपको भाग के ऊपर सेंटर में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कवर भी मिल जाता है। जो एनिमी वहाँ सामने होते हैं उन एनिमीज को आप बड़े आराम से यहाँ से मार पाओगे एंड काफी सारे एनिमी जो लेफ्ट में स्लाइड लिफ्ट है उस पर से भी आ रहे होते हैं। उस वक्त आप ग्रेनेड को कुक करके बड़े आराम से उधर फेंक सकते हो। जो भी एनिमी उस लिफ्ट पे आ रहे होंगे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे एंड एक दो गोली मारने के बाद वो एनिमी बड़े आराम से नॉक हो जाएंगे। और कोई एनिमी अगर आपके ऊपर रश कर रहा होगा तो आपको बड़े आराम से पता भी चल जाएगा। और ये वाली जगह काफी ज्यादा देर तक सर्कल के अंदर भी रहती है, तो इस जगह पे रहकर आप बड़े आराम से सामने वाले एनिमीज को मार पाओगे एंड ये वाला राउंड जीत पाओगे। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। तो अगर आपके पास लेजेंडरी गन स्किन्स नहीं है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ चिप वाली गन्स का ही यूज करो। मिड रेंज के लिए आप MP5 का यूज कर सकते हो। अगर आप MP5 को लेवल 3 का अपग्रेड कर लोगे तो उसका रेट ऑफ फायर और डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब सामने वाला एनिमी लेवल 4 की वेस्ट पहन के आता है तब डैमेज कम हो जाता है। तो शॉर्ट रेंज के लिए आपको यूज करना है M1014। और जब आप M1014 को लेवल 3 का अपग्रेड कर लेते हो तो सामने वाला एनिमी अगर लेवल 5 की वेस्ट भी पहन के आएगा तब भी उसे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तो आपको अपने गन कॉम्बिनेशन में हमेशा M1014 और MP5 रखना है मिड रेंज और शॉर्ट रेंज में। और जब MP5 नहीं होता तो उस वक्त आप बाइजन यूज कर सकते हो, UMP से तो अच्छे ही चलते हैं अगर आपके पास UMP की स्किन नहीं है तो। एंड बाकी लॉन्ग रेंज के लिए आप वुड पिक और AC-80 जैसी गन्स का यूज कर सकते हो, इनकी अगर आपके पास स्किन नहीं है तब भी ये गन्स काफी ज्यादा डैमेज देती हैं। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। तो म्यूजियम वाले राउंड में काफी सारे प्लेयर एक मिस्टेक करते हैं, राउंड स्टार्ट होने के बाद वो नीचे रह के अंदर अंदर से रश करते हैं। तो जब आप ऐसा रश करते हो तो सामने वाला एनिमी आपको इजिली देख सकता है एंड अगर वो एनिमी सीढ़ियों पे खड़ा हो जाता है तो आपको बड़े आराम से मार भी सकता है। इसलिए आपको कभी भी अंदर से रश नहीं करना है, आपको इधर बाहर वाली साइड पे आ जाना है एंड यहाँ से भागते भागते आपको फ्लैंक करके इधर से रश करना है एंड यहाँ से सामने वाला एनिमी आपको देख भी नहीं पाएगा एंड इधर से घूम कर आप फिर बड़े आराम से सामने वाला एनिमी को मार पाओगे। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की। तो शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी सीएस रैंक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जिसमें मैंने ये ना कहा हो कि आपको ग्रेनेड करना है। तो आपको मैं ये तो बता देता हूँ कि आपको ग्रेनेड करना है, बट आपको मैं ये नहीं बताता कि किस किस जगह पे एनिमी होते हैं एंड अगर आप उस जगह पे ग्रेनेड करोगे तो आप बड़े आराम एक या दो एनिमी को मार पाओगे। अगर आप जानना चाहते हो कि राउंड स्टार्ट होते ही आप कहाँ पे ग्रेनेड करो कि एक से दो एनिमी नॉक हो जाए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो एंड ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें राकेश भाई ने खुद बताया कि राउंड स्टार्ट होते ही आपको कहाँ का ग्रेनेड करना चाहिए कि जिससे आप बड़े आराम से सामने वाले एनिमी को मार पाओगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लेफ्ट पे क्लिक कर सकते हो, आप सीधा वीडियो के अंदर चले जाओगे। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।